अस्सलाम वालेकुम एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड द व्लॉग। मेरी तरफ से सबको जुम्मा बहुत मुबारक हो। और अभी यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 5:30, और 5:30 बजे से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं उठी हूँ और मैं जाने लगी हूँ नमाज़ पढ़ने, और नमाज़ पढ़ के हम लोग चलेंगे वॉक पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का दिन। रात मैंने अपने बालों में ऑयल भी लगा लिया था, तो मुझे वो भी निकालना है अभी। तो पहले वॉक करें, नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद आके हम लोग शावर लेके सो जाएंगे। तो लेट्स गो। इतने दिन से आप लोगों ने मेरी वॉक देखी नहीं होगी, मिस की होगी, तो आज आपको वॉक पे लेके चलते हैं, ठीक है? तो बस जल्दी जल्दी से मैं नमाज़ पढ़ कर चलते हैं। चलें जी, नमाज़ हम लोगों ने पढ़ ली है, अभी हम लोग चलते हैं वॉक के लिए और इन्जॉय करते हैं। लेट्स गो। ओके गाइस, अभी अभी हम लोग वापस आए हैं। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही बात करने की, फुल पसीना आया हुआ है। बड़े दिनों बाद दोबारा से वॉक स्टार्ट किए, तो बाय बाय यार, फिर मिलते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो कब से हो गई, नमाज़ भी हम लोगों ने पढ़ ली। अभी मैं अपना थोड़ा नाश्ता करने लगी हूँ। नाश्ते में मैं ले रही हूँ बॉयल अंडा, और उसके साथ मैं पहले कहवा ले लेती हूँ, उसके साथ अपना यूट्यूब का शेड्यूल बना लेते हैं, क्योंकि आज वीडियो बनानी है मुझे इंस्टाग्राम के लिए भी, यूट्यूब के लिए भी। बड़े दिन हो गए नहीं बनाई। मैंने सोचा था मैं अपने चैनल पर एक दिन ब्लॉग डाला करूँगी और एक दिन दूसरी वीडियो, लेकिन मैं भूल गई थी। तो अब हम वापस आते हैं काम पर और अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये आ गया जी हमारा कहवा, और यहाँ पे मैं बैठ के बना रही हूँ ग्रूमिंग टिप्स, आप लोगों के लिए लिख रही हूँ। इस पे वीडियो तो आप लोगों ने ब्लॉग आने से पहले ही देख ली होगी, तो बस मुझे इसको भी वाइंड अप करना है और फिर अंडा मैं बॉईल करके आई हूँ, खाती हूँ और फिर चलते हैं अपने स्टूडियो रूम में काम करने। मैं आ गई हूँ, ठीक है, मैं बनाने लगी हूँ अभी अपनी वीडियो फिल्म करने लगी हूँ, ठीक है, ग्रूमिंग टिप्स वाली। उसके बाद मुझे इंस्टा के लिए भी वीडियो बनानी है, तो सबसे पहले वीडियो बनाते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हो गाइस, फाइनली मैंने वीडियो बना ली है। पंखा भी चला है लिटरली, ये देखिए मैं फुल इस वक्त जो है ना स्वेट स्वेट हो गई हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी। लेकिन लाइट भी नहीं थी, पंखा भी नहीं चल रहा था, और पंखा मैंने बंद किया हुआ था कि आप लोगों को आवाज़ सही है, फिर भी आप वीडियो पर प्यार नहीं दिखाओ तो यार बंदा कहाँ जाए। मर गई गर्मी में, मैं थोड़ी फ्रेश हो जाऊँ फिर मैं मिलती हूँ। अभी ऊपर गर्मी में बैठ बैठ के, और मैंने सोचा चलो एसी में जाके बैठती हूँ, बट लाइट ही चलेगी। तो मैं अबू की चाय बनाने लगी हूँ, और उसके अलावा यहाँ पे एक पार्सल आया है, इसको भी खोलना है। अभी ये खोलती हूँ और मैं अपने लिए भी कुछ बनाऊँ, कुछ खाऊँ, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। मैंने सुबह एक अंडा खाया था अराउंड 2 बजे, और अभी यहाँ पे 5 बजने वाले हैं आप देखें, और कहवा पिया तो उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया हुआ। तो उसके बाद मैं इंस्टा की एक वीडियो बनाऊँगी, वो रहती है अभी बनाने वाली, यूट्यूब की डन हो गई, तो बहुत सारे काम है यार। जब आप वीडियो बना के काम कर रहे हो ना तो ये होता है। चलो साफ करती हूँ इसको भी। उसके अलावा मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ अपने लिए फ्रूट चाट, ठीक है, और मैं इसको बनाती हूँ। चाय भी बन रही है यहाँ, फ्रूट चाट भी बनाते हैं। चलो जी, चाय हमारी तैयार हो गई है। अच्छा जी, तो फ्रूट चाट मैंने बना ली थी, अब मैं इसमें 1 चम्मच जो है वो फ्रूट कॉकटेल का डाल दूँगी, जो मार्केट से मिलता है वो टिन वाला। तो मैंने
लेके आई थी, तो वो इसमें डाल दिया। मैं इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए, और फिर मैं ये बाकी का किचन जो है वो सारा क्लीन करती हूँ, जो भी मैंने बर्तन वगैरह चाय वाय बनाई और जो भी फ्रूट वगैरह कट किए, तो वो पहले जल्दी से मैं सफाई कर लूँ और फिर हम लोग आगे ब्लॉग करते हैं। उफ अल्लाह थक गए, 5:34 हो रहे हैं, नमाज का टाइम हो गया, मैं जल्दी से नेल पॉलिश उतारूँ और हम लोग पढ़ें फिर नमाज और फिर करेंगे फाइनली थोड़ा बहुत रेस्ट। ओके गाइस, फाइनली 6 बजे जो है मैं अभी खाने लगी हूँ, खाना जो मैं थोड़ा बहुत बना के गई थी, सॉरी चाट खाना कह दी, इतनी भूख लग रही है मुझे अभी, मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ तो अभी हम लोग खाते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी यहाँ पे हो रहा है मगरिब का टाइम और मगरिब पढ़ ली है मैंने। यहाँ पे मशीन में कुछ कपड़े लगाए हुए थे क्योंकि मैंने कहा कल कह रहे हैं बारिश का, तो उससे पहले मैं कपड़े जो है ना वो वॉश कर लूँ। तो देखते हैं मशीन को स्टार्ट। अच्छा जी, कपड़े ड्राई होते हैं फिर कपड़ों को लगाते हैं हम लोग सुखाने के लिए और तार पे डाल देंगे। और उसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, बड़े मज़े की चीज़ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये है वो टेबल जो मैंने दराज से ऑर्डर किया था, बहुत ही क्यूट है, बहुत प्यारा है, ठीक है। और इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है, मुझे मिला है 1600 का डिलीवरी चार्जेस के साथ। और इसके ऊपर जो ये मटेरियल यूज़ हुआ है ये भी बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे वुड भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया इस तरीके से है, और दूर से देखें ना तो बहुत ही प्यारा लगता है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ फ्रेम ऑर्डर किए हुए थे दराज से, वो आए हैं अभी, ये मैंने ऑर्डर किए थे, मुझे 4 फ्रेम मिले हैं 1000 रुपीज़ के, ठीक हो गया जी। और ये बहुत अच्छे से इन लोगों ने पैक करके भेजे थे, तो जब मैं लगा लूँगी ना सारे फिर मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दिखाऊंगी। छोटी छोटी चीज़ें मैं इसीलिए दिखाती रहती हूँ ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। अच्छा जी, कपड़े हम लोगों ने बाहर लगा दिए हैं, लाइट जा चुकी है, ठीक है ना। बस अब मैं इन सबको क्लिप्स लगा देती हूँ ताकि ये मज़ीद ड्राई हो जाएँ और कहीं गिर ना जाएँ, तो इसलिए हम सबको क्लिप लगा देते हैं। अब फिर हम लोग नीचे चलते हैं, आप लोग देख रहे हैं रात हो गई, ऐसे ही मेरा सारा दिन गुजर जाता है, कभी कुछ, तो बस खाने में भी फिर देखते हैं क्या करना है। चलें जी, कपड़े सारे वॉश हो गए हैं, अब्बू के वसीम के क्लिप्स भी लग गई हैं, अब हम नीचे चलते हैं और जाके खाने का कुछ देखते हैं। अच्छा जी, तो फिर मैं आ गई थी किचन में और मुझे बनानी थी रोटियां, सालन अम्मी ने बना लिया था पहले ही, आज बनाया था मटन, और मैं ऊपर काम कर रही थी तो उस वक्त तक अम्मी ने बना लिया था। कभी अम्मी काम करती हैं, मैं बना लेती हूँ, कभी वो बना लेती हैं, तो ऐसे मिलजुल के काम होता रहता है। अगर वो सालन बना लेती तो मैं रोटी डाल लेती हूँ, जो भी सबने खानी होती है, तो इस तरीके से जो है ना वो रूटीन चलती रहती है। अगर सुबह से भी उठो ना तो घर के काम, इधर उधर के काम, सारा दिन बंदे का जो है ना वो इस तरीके से कामों में गुजर जाता है। आप लोग को लग रहा होता है कि हाँ बड़ी चल लाइफ है, कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है, तो यार हर किसी की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ होती है, मसरूफ़ होने की वजह से इंसान बहुत से काम नहीं कर रहा होता। जैसे इंसान जो है ना वो डेली बेसिस पे बहुत सी चीज़ें नहीं करता जो वीकली या मंथली करता है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे फिल नहीं होता वो। फिर कोई भी इंसान क्यों ना हो, हाउसवाइफ हो या कोई भी क्यों ना हो। तो आज है मेरे खाने में था चिकन का, उसका मटन का सालन थोड़ा सा, और उसके साथ मैंने थोड़ा सैलेड दे लिया था, और बाकी सब लोगों को मैंने खाना दे दिया था। मैं थोड़ा सा जल्दी खाना खाती हूँ, फिर सब लोग आए, सब लोगों को खाना दिया मैंने, और बाकी जो है वो मैं सारा किचन वगैरह क्लीन करके और अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम में। नमाज़ पढ़ी मैंने इशा की, और फिर मैं जो है वो फिर लेट गए मैं और वसीम, इस टाइम तक जो है वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और बातें करते हैं, जो भी सारा दिन की डिस्कशन होती है हम लोगों की, 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक हम लोग बातें करते हैं और फिर जो भी डिस्कस करना होता है एक दूसरे से वो करते हैं। और उसके बाद वसीम जो है वो सो जाते हैं 12:30-1 तक, क्योंकि उनको सुबह जॉब पे भी जाना होता है, और पूरे दिन में मुझे वर्कआउट का भी यकीन करें टाइम नहीं मिलता, तो फिर मैं कभी रात में थोड़ा बहुत बैक वर्कआउट करती हूँ कि जो मेरा बैक फैट है ना वो चल जाए, तो मैं 15-20 मिनट कभी वॉक तो करती करती हूँ और साथ जो मुझे बैक फैट है वो रिमूव करना है, तो उसके लिए कभी मेरे पास वर्कआउट का टाइम निकलता है और कभी नहीं निकलता, तो कभी मैं स्किप भी कर देती हूँ, कभी मैं कर भी लेती हूँ।
तो बस इस तरीके से अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालती हूँ, और फिर यहाँ पे मैंने बनाया अपने लिए कहवा, और वसीम सो जाते हैं तो फिर मैं वर्कआउट थोड़ा बहुत करके और अपना कहवा ले लेती हूँ। ये टाइम जो इस टाइम में आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, यूट्यूब की वीडियोस देखती हूँ, और मैं 1 बजे से लेके 4 बजे तक फिर जो है मैं सोती हूँ, कभी नहीं सोती, कभी ऐसे उठ के वॉक पर चली जाती हूँ। तो बस इस तरीके से मैं अपने लिए रात को जो है ना वो लेट नाइट टाइम निकालती हूँ और आप लोगों के कमेंट्स वगैरह देखती हूँ, और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ।